मैं बहुत खुश हूँ और बहुत भावुक महसूस कर रहा हूँ। उसके दो कारण हैं। एक तो पंजाब के लोगों ने जितना प्यार दिया, अभूतपूर्व प्यार दिया, इतने वोट दिए, इतने वोट दिए, इतनी सीटें दी, सारे पुराने नेताओं को हरा दिया, एक तो वो कारण है। और दूसरा कारण जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है, 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं, और 3 दिन में मान साहब तो उसी कमाल कर देता। सारे पंजाब क्या, पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। जिस तरह से आपने ओथ के वक्त पूरे पंजाब के लोगों को बुलाया, 3 करोड़ पंजाब के लोगों ने शपथ ली, मेरे पास ढेरों मैसेज आए, मेरे पास ढेरों लोगों के फोन कॉल आए कि सर आज मैं भी टीवी के सामने बैठ के मैंने भी शपथ ली। जितने लोग वहाँ गए थे उनको भी ये लगा, पंजाब के लोगों को पहली बार ये लगा कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये बहुत बड़ा एहसास था पंजाब के लोगों को। जिस तरह से जितने ये बड़े बड़े पुराने मंत्री संतरी हुआ करते थे उनकी सिक्योरिटी हटा के, और वो सिक्योरिटी जनता के लिए लगा दी गई, वो पुलिस वाले जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए, वो सारे व्हीकल जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिए गए। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था, और सरकार बनते ही एक दो दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया, और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन, हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी, किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है, और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था पुलिस वाला, खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। आज सबसे बड़ी समस्या पंजाब के अंदर रोजगार की है। इससे लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हुआ है, लोगों को हमसे उम्मीद थी, लोगों को ये लगता था इन लोगों ने दिल्ली में अच्छा काम किया, चलो इनको वोट दो, वोट देंगे तो दिल्ली पंजाब में भी शायद अच्छा काम कर दें। लेकिन पिछले 3 दिनों के अंदर मान साहब आपने जो ऐलान किए और जो काम करके दिखाया है, वो उम्मीद अब धीरे धीरे लोगों की विश्वास में बदलती जा रही है। ये बहुत बड़ा काम है, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शानदार जीत, बहुत शानदार शुरुआत है आपकी। भगवान से प्रार्थना है, वाहेगुरु जी से प्रार्थना है कि आपको इसी तरह से शक्ति दे, ताकत दे, और आप इसी लगन के साथ पंजाब की सेवा करते रहें। एक तरफ आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आपने ओथ भी ले ली, हमारी सरकार भी बन गई, हमारे मंत्री भी बन गए, इतने सारे काम भी कर दिए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 4 राज्यों में जीती थी, अभी तक उनसे सरकार नहीं बन पा रही, अभी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसको मंत्री बनाएं, किसको ये बनाएं, किसको वो बनाएं, काम तो वो क्या करेंगे, उनसे उनकी सरकारें नहीं बन पा रही। कैबिनेट में जो जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी,
मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की, समय कम है। अभी अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने, 75 साल हो गए आज़ादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए, अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन का मान साहब का भाषण सुन रहा था जब उन्होंने सारे MLAs को कहा था कि चंडीगढ़ में मत बैठना, बहुत सही कहा था। होता क्या है कि जब हम मन जब बन जाते हैं तो फिर ये घोड़ा गाड़ी बंगला इसकी आदत पड़ जाती है, ये बहुत बुरी आदत है। चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं बैठना, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का एक एक MLA, हमारी पार्टी का एक एक मंत्री लगातार 24 घंटे जनता के बीच में घूमेगा, गलियों में जाएगा, मोहल्ले में जाएगा, पिंड में जाएगा, लोगों की बातें सुनेगा। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है इस बार, एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की, 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी, अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे पंजाब हार जाएगा। पंजाब की तरक्की के लिए ज़रूरी है ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूँ आपको गाइड करने के लिए, लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियाँ मिलेगी। अगर कोई मंत्री बना तो वो मंत्री की जिम्मेदारी है, वो कोई बड़े बड़ा वो नहीं है, पद नहीं है। किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलेगी, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, सबको जिम्मेदारी मिलेगी। जो जिम्मेदारी मिले, जो भगवंत मान आपको जिम्मेदारी दें, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है, तभी पंजाब की आगे तरक्की होगी। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से, मैं तो इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा डीप में गया था, एक एक कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, आप में से सब लोगों को मैं जानता हूँ। 90-95% आप में से लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़े थे। कभी जिंदगी में सोचा था MLA बनोगे? नहीं सोचा था। ऊपर वाले का कुछ करिश्मा था कि आपको टिकट मिल गई, आप MLA बन गए, लोगों का इतना प्यार मिल गया। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी, कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं MLA बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये सब चीज़ें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आप MLA रहते अपना ऐसा काम करो कि
आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप MLA रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था, मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना, ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में MLA को भी हटा देती है। ये हमारे से पहले वाले जो थे उनको भी ऐसे लगता था कि वो तो पैदायशी मुख्यमंत्री बनने के लिए आए हैं, वो तो पैदायशी मंत्री बनने के लिए आए हैं। 2 मिनट लगे, जनता ने सारों को साफ कर दिया। ऐसा ना कर देना कि अगली बार जनता हमें साफ करने के लिए तत्पर रहे। हमें ऐसा करना है कि जनता जिंदगी भर हमारे को प्यार करे, हमें जनता का दिल जीतना है। लोगों के अगर काम कराने हो तो आप जरूर अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाना। लोगों के लिए काम कराने हो लोगों के, तो आप जरूर अपने मंत्रियों से मिलने जाना। लेकिन किसी अपने हलके के DC और SP और थानेदार की पोस्टिंग कराने मत जाना। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से SP की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हलके के पोस्ट SP की और थानेदार की और DC की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार 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 अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे, भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।